दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। और अब हलचल विस्तार से। लुधियाना में बीते दिनों नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद उसे जिंदा जलाए जाने के मामले में इंसाफ की मांग करते हुए मृतक लड़के के माता पिता व भाई ने एक मांग पत्र डीसीपी नीलांबरी विजय जगदले को दिया। इस मौके पर मृतक की माता ने कहा कि पुलिस इस मामले की सीबीआई जांच करवाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। वहीं दूसरी ओर महिला कांग्रेस की ओर से समराला चौक वाली रोड पर धरना लगाया गया, जिसमें जिला महिला कांग्रेस की प्रधान लीना टपारिया ने काले झंडे दिखाकर पंजाब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर लीना टपारिया ने ढंडारी में बलात्कार पीड़िता के निधन पर शोक जताया और उन्होंने कहा कि यदि पुलिस और प्रशासन द्वारा इस और थोड़ा ध्यान दिया जाता तो उस लड़की को बचाया जा सकता था। अभी मैडम जी बोली है जहाँ हम तुम्हारा मांगे सब पूरा करेंगे, उसके सजा दिलाएंगे। हमने डिमांड किया जो दोषी के फांसी के सजा मिले। हमारा लड़की इंसाफ मांग रही है, मरने मरने तक बोली हमारा इंसाफ चाहिए। तो जितना दोषी है उसके फांसी के सजा दिए, जो नहीं पकड़ा है उसके पकड़ाना चाहिए। विक्टिम के मदर फादर पेरेंट्स ब्रदर और उनके मोहल्ले के कुछ लोगों का डेलीगेशन जो है वो यहाँ पे मिलने आए थे और उन्होंने मुझे एक मेमोरेंडम भी दिया है जिसमें उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हुई है। तो इसके रिगार्डिंग पुलिस प्रशासन जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से हो सकता है लीगली जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो पूरा सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो जल्द से जल्द जो है एक लॉजिकल एंड पे पहुँचवाई।